की चिंता में है। यूरोपियन यूनियन ने आनन-फानन में अफ्रीका की उड़ानों पर रोक लगा दिया है, जिससे इस वेरिएंट को लेकर दहशत फैल गई है। WHO ने भी ओमिक्रॉन को कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से 7 गुना तेजी से फैलने वाला बताया है। इस लिहाज से वायरस से के बहुत तेजी के साथ लोगों को संक्रमित करने की आशंका भी पैदा हो चुकी है। इसका असर इकोनॉमी पर पड़ने की आशंका से शेयर मार्केट भी तेजी से नीचे गिरे हैं। वहीं दुनिया भर में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से बड़ी चिंता के बीच एक दूसरा पहलू भी है, वो ये कि जिस अफ्रीका से नए स्ट्रेन की शुरुआत हुई है, वहां पिछले 2 महीनों से नए मरीजों और मौतों की संख्या में गिरावट दर्ज हुई है। ये बात इसलिए अहम है क्योंकि अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट 2 महीने से मौजूद है। तब से अब तक ये 45 बार अपना रूप बदल चुका है, इसके बावजूद मौतों की संख्या में कमी आ रही है। वहीं आपको बता दें कि इस ओमिक्रॉन को लेकर भारत भी पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। भारत सहित कई देशों में अलर्ट जारी हो चुका है। अगर भारत की बात की जाए तो वहां पर आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर सावधानी बरतने की सलाह दी है और केंद्र के अलावा राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर पर पूरी तरह से अलर्ट हैं। ऐसे में राज्य सरकारों ने कई तरह के आदेश जारी कर दिए हैं और COVID-19 का नया वेरियंट इसी हफ्ते दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था, जिसको लेकर WHO ने भी शुक्रवार को वेरियंट ऑफ कंसर्न यानी कि बेहद चिंताजनक इसे बता दिया है। इसे ओमिक्रॉन नाम दिया गया है और इसे कोरोना के बाकी वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक भी बताया जा रहा है। ऐसे में ओमिक्रॉन वेरिएंट से बढ़ती चिंता के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने सभी जिलों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में रिस्क वाले देशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग और 14 दिन के क्वारंटीन करने की सलाह भी दी गई है। तो ऐसे में आपको बता दें कि केंद्र ने चिट्ठी लिखी है, साथ ही राज्यों की बैठक भी बुलाई है और साथ आपको बता दें कि लगातार भारत में भी ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि ओमिक्रॉन के मिलने से दुनिया भर में दहशत फैली हुई है। इसीलिए भारत पूरी तरह से पहले ही अलर्ट हो चुका है ताकि अब भारत में कोई दोबारा दूसरी लहर ना आ जाए, इसीलिए पहले ही एहतियात बरते जा रहे हैं। तो ऐसे में देखिए लगातार केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को चिट्ठी लिखी जा रही है अलर्ट होने के लिए कहा जा रहा है। इसीलिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ सुभाष गौर जुड़ चुके हैं और मेरठ से जो पश्चिमी यूपी में अभी क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरह की गाइडलाइंस जारी की गई है, उसकी जानकारी देने के लिए मनोवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी मैं। देखिए ओमिक्रॉन को लेकर पूरी दुनिया में इस समय दहशत का माहौल है, भारत में भी केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को चिट्ठी लिख दी गई है, उत्तराखंड में क्या कुछ अभी कदम उठाए जा रहे हैं इसको लेकर? बिल्कुल, राज्य सरकार कहीं ना कहीं सतर्क नजर आ रही है और खासतौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़े हैं, खासतौर से राजधानी देहरादून में भी जिला अधिकारी है देहरादून के सामने अलर्ट रखा गया है। लेकिन बड़ी समस्या इस प्रकार की है कि तौर से मैदानी क्षेत्र है, चाहे वो देहरादून हो, हरिद्वार हो, ऊधम सिंह नगर हो, यहाँ बाजारों में भी बहुत ज्यादा हो रही है और लोग जो है सोशल डिस्टेंस और मास्क का पालन नहीं कर रहे, जिसको लेकर अब राज्य सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी और कहा है कि जल्द से जल्द सभी लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें, साथ ही मास्क लगाना अनिवार्य सभी लोगों के लिए कर दिया गया है। यदि लगाते हुए नहीं पाए जाते हैं तो जुर्माना जरूर लोगों पर लगाया जाएगा, लेकिन पहली बार अगर कोई बिना मास्क के पाया जाता है तो 500 रुपए का जुर्माना उस पर लगाया जाएगा। तीसरी बार भी वो बिना मास्क के ऐसे तीसरी बार में 1000 रुपए उसको जुर्माना किया जाएगा। कुल मिला के कहा जा सकता है कि जितने समय भी उसको पकड़ा जाता है बिना मास्क के, उसके समय उसके जो भुगतान राशि है वो बढ़ा दी जाएगी। कुल मिला के कहा जा सकता है कि सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड पर, खुद प्रदेश के मंत्री ने इसको एक महत्वपूर्ण बैठक की जिसमें उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द कोविड गाइडलाइन से उसका पालन कराया जाए, तो ऐसे सुभाष आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही है, शायद नेटवर्क इशू है, आप सही करने की कोशिश कीजिए, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी। मनोवर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोवर, अगर पश्चिमी यूपी की बात की जाए तो वहां पर किस तरह के तैयारी की जा रही है, क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है, अस्पताल अभी कितने तैयार हैं? देखिए अगर पश्चिमी यूपी की बात की जाए तो पारुल, यहाँ पर
तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जो बाहर से विदेशों से आने वाले लोग हैं उनकी मॉनिटरिंग करने की बात की जा रही है, उनको चिन्हित कर उनकी टेस्टिंग करने की बात की जा रही है। साथ ही तमाम जो हॉस्पिटल थे, कोविड हॉस्पिटल थे, उनको अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा थर्ड वेव का इंतजार पहले ही था और उसी को लेकर के तैयारियां थी, लेकिन आप जिस तरीके से थर्ड वेरिएंट कह सकते हैं वो जो विदेशों में आया, इसको लेकर के हिंदुस्तान में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। कमिश्नर से लेकर तमाम जो जिले के आला अफसर हैं वो इसको लेकर के बैठकें कर रहे हैं और हिदायत दी गई है जो बाहर से आने वाले लोग हैं उन पर खासा निगाह रखी जाए। खास तौर से स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। हालांकि यहाँ पर पहले ही कह सकते हैं डेंगू और अन्य जो उन बीमारियां उनका प्रकोप है उसको लेकर के भी अलर्ट है, लेकिन जिस तरीके से अब जो नया वेरिएंट कोविड का उभर कर आ रहा है उसको लेकर के हड़कंप की स्थिति है। हालांकि ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, ऐसा पैनिक भी नहीं फैला है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी इसको अभी अवेयर करने में लगे हैं। मास्क का इस्तेमाल करें और जो सोशल दूरी बनाने की बात की जा रही थी उसको भी कहा जा रहा है। हालांकि जो पहले दुकानें खोली जाती थी सप्ताह में एक दिन बंद रहती थी उसको लेकर के भी बंदी का जो आदेश है यथावत जारी है। ऐसे में हर तरीके से कोशिश है कि जो थर्ड वेरिएंट जो आ रहा है विदेशों में है उसको हिंदुस्तान में ना आने दिया जाए। जो बाहर से फ्लाइट आ रही है उसको लेकर के चेकिंग की जाती है। हालांकि दिल्ली से लेकर के जहां जिस जिले में व्यक्ति जाता है वहां तक उसको मॉनिटरिंग की जाती है, उसकी टेस्टिंग की जाती है और चिन्हित किए जाते हैं। हालांकि पूर्व में कुछ लोग आए थे उसको भी एडमिनिस्ट्रेशन अभी चिन्हित करने में लगा है, उनकी तमाम जांचें कराने की बात की जा रही है। यानी कि पूरे तरीके से तैयारी जो है वो अभी से कर ली गई है। सुभाष, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में देखिए विधानसभा चुनाव भी अब नजदीक है, उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी। वहीं अगर पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो पहले से ही वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं उस तरह से नहीं होती जितनी शहरी इलाकों में होती है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से सरकार के सामने, प्रशासन के सामने चुनौती बहुत बड़ी है कि विधानसभा चुनाव भी है और किस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं को भी सुधारा जाए। जी बिल्कुल पारुल, उत्तराखंड में सुविधा को सुधारना एक बड़ी चुनौती है राज्य सरकार के लिए। खासतौर से जैसे कि आपने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में वो व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं अभी तक। लगभग पिछले 21 सालों से उम्मीद की जा रही थी कि पहाड़ की जो दुर्दशा है सुधरेगी, स्वास्थ्य सुविधाएं वो सुधरेगी, लेकिन वो सुधरने की नजर नहीं आती है। जब इस तरीके की समस्याएं सरकार के पास आती है, चाहे वो कोरोना काल में देखा जाए कि पहाड़ों की स्थिति बेहद खराब थी, लोगों को राजधानी देहरादून लाया जाता, हरिद्वार क्षेत्र में लाया जाता, उधम सिंह नगर जिले में लाया जा रहा था और इन जिलों में भी अस्पतालों में बेड की समस्या बहुत अधिक देखने को मिल रही थी। तो कहा जा सकता है इसको लेकर मुख्यमंत्री ने जल्द ही बैठक की और बैठक में ये भी कहा है कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं उनको बेहतर कराया जाए। खासतौर से जो कोविड के अस्पताल बनाए गए थे कोरोना के दौरान उनको फिर से सुचारू रूप से चलाया जाए और बेहतर अस्पताल में जो व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग द्वारा कराई जाए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है स्वास्थ्य सुविधा को सुधारने की कोशिश राज्य सरकार जरूर कर रही है, लेकिन बड़ी समस्या यह है कि लोगों को भी समझने की जरूरत होगी, लोगों को भी सोशल डिस्टेंस अपनाना पड़ेगा और खासतौर से जो लोग बाजारों में पहुंच रहे हैं उन्हें मास्क लगाना अनिवार्य होगा, तभी इस तरीके की बीमारी बिल्कुल सुभाष जागरूक करने की लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत होगी। मनोवर, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो देखिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, अब न्यू ईयर भी आने वाला है जहां पर पूरे दुनिया में इसका जश्न मनाया जाता है नए साल का। वहीं अगर बोर्ड की परीक्षाएं की बात कर ली जाए, बोर्ड की परीक्षाएं भी अब आने वाले महीनों में होने वाली है, क्योंकि देखिए बोर्ड की परीक्षा विधानसभा चुनाव के बाद होगी लेकिन उससे पहले प्री बोर्ड की परीक्षाएं तो होनी ही है 10वीं 12वीं की। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी है, क्योंकि वेव के दौरान तो प्रदेश में किस तरह की तस्वीरें आई थी वो किसी से छिपी नहीं थी। देखिए पारुल, खास तौर से उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ अब कड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का आगामी चुनाव होना है। इसके अलावा यहाँ पर परीक्षाओं की अगर बात की जाए तो परीक्षाएं भी हैं और तमाम चीजें यहाँ उत्तर प्रदेश में होती रहती हैं, क्योंकि धार्मिक एतबार से भी यहाँ तमाम तरह के आयोजन होते रहते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से थर्ड वेव यानी कि तीसरे वेरिएंट की भी बात की जा रही है उसको लेकर के अलर्ट घोषित जरूर किया गया है, लेकिन अभी सड़कों पर ना तो सोशल डिस्टेंस दिखाई देता है ना मास्क दिखाई देते हैं और इसके अलावा जो मार्केट है उनके अंदर जो भीड़ है खचाखच भरी रहती है। हालांकि प्रशासन अभी बैठकें कर रहा है लेकिन इम्प्लीमेंट की अगर बात की जाए तो अभी किसी प्रकार का कोई कानून या कोई अभी रूल नहीं बनाया गया है जिसको इम्प्लीमेंट कराया जा सके। और शायद तीसरा जो वेरिएंट बताया जा रहा है उसको लेकर के अगर हो सकता है प्रचार किया जाए तो दहशत भी फैल सकती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है।
पहले बैठकों का दौर जारी है, उसके अलावा सभी को अवेयरनेस की कोशिश की जा रही है, हालांकि टीवी के माध्यम से और अन्य माध्यमों से, लेकिन अभी कोई पुख्ता इंतजाम धरातल पर नहीं दिख रहे हैं। देखना होगा कि आखिर किस तरीके की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में की जाएगी, क्योंकि पूर्व में भी देखा गया था जब सेकंड वेव आई थी तो जिला पंचायत का चुनाव चल रहा था और उस पंचायत चुनाव में काफी लोग पॉजिटिव आए थे। जी बिल्कुल, इसीलिए मनोबा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने चुनौती है, क्योंकि दोनों ही राज्यों में आने वाले महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन प्रशासन और राज्य सरकारें क्या कुछ फैसला लेती है, क्या कुछ गाइडलाइन जारी करती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मनोबा और सुभाष, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में आपको बता दें कि पूरे भारत में अलर्ट ओमिक्रॉन को लेकर जारी कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन वायरस मिला था उसके बाद से ही भारत में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि पूरे दुनिया भर में इसकी दहशत जो है वो मची हुई है और इसीलिए कई देशों ने तो दक्षिण अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट्स को भी बैन कर दिया है। हालांकि 15 दिसंबर से भारत सभी तरह की फ्लाइट्स खोल रहा है जो पिछले 1.5 साल से बंद थी कोरोना के समय में, लेकिन एक बार फिर से अब केंद्र सरकार से मांग की जा रही है कि केंद्र सरकार अपने इस फैसले पर विचार करे, अपने इस फैसले पर विमर्श करे और सोचे, क्योंकि जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका और कई देशों में इस वेरिएंट के मिलने के बाद मामले बढ़ रहे हैं, भारत में फिर से स्थिति खराब ना हो जाए इसको लेकर केंद्र सरकार भी लगातार बैठकें कर रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।